हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, तो बहुत सारे छात्रों की उसमें बैक लग गई है। मैंने भी बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट देखा, तो आप सभी के पहले मैं सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है टाइम नहीं मिल पाया, आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो आप सभी छात्रों को बता दूं, जिन छात्रों की बैक लगी है वह सभी छात्र अपना रीचेकिंग का फॉर्म डालें, ठीक है ना। क्योंकि स्कूटनी का छात्र जो कह रहे थे सर स्कूटनी का फॉर्म डालें, तो स्कूटनी का 60 रुपये चार्ज लगता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके नंबर दोबारा काउंट होते हैं स्कूटनी फॉर्म में, लेकिन आपका जो रीचेकिंग का फॉर्म होता है उसमें दोबारा कॉपी जो है चेक होती है। तो आपको पता है कि नंबर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर कॉपी चेक होगी तो उसमें बैग निकल जाती है छात्रों की। तो आप सभी लोगों का पूरा एक्सपीरियंस बता दूंगा, इस छात्र के कितने नंबर थे, कब कैसे बैग निकली, कौन कौन से छात्र डालें, कितने सब्जेक्ट में डाल सकते हैं, तो सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। चलिए मैं आपको पहले आपको ब्लैंक स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों द्वारा इतने प्रश्न पूछे गए थे, कुछ यहाँ पर शो किए गए, कुछ मैं अपनी तरफ से भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कमेंट थी जो पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर है, रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल आप डाल सकते हैं। यदि आपके 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 12 नंबर हैं, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपका कॉन्फिडेंस हो तभी डालें आप, फालतू की जो है 500 रुपये वेस्ट ना करें, क्योंकि 500 रुपये इसका चार्ज रहता है रीचेकिंग का, आपका स्कूटनी का आपका 60 रुपये चार्ज रहता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीचेकिंग का फॉर्म किसे डालना ज़रूरी है। तो जिन छात्रों का मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्फिडेंस हो कि सर मेरा पेपर अच्छा हुआ था लेकिन मेरे नंबर बहुत कम आए, तो वो छात्र ही डालें, फालतू में ना डालें। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि छात्र जो है रीचेकिंग का फॉर्म डालते हैं तो बैग निकल जाती है, जैसे 14 नंबर हैं, 12 नंबर हैं। एक लड़के का 5 नंबर पर निकल गया था, ठीक है ना। तो यदि आपको कॉन्फिडेंस है, आपका 5 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, तो भी आप डाल दें। यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो दोबारा पेपर में लाएँ, अपना देखें, यदि आपका होता है तो आप कर डाल सकते हैं, तो रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रीचेकिंग का से बैग निकल जाएगी, तो हाँ बिल्कुल निकल जाती है, 8 नंबर से ऊपर जितने भी होती हैं सबका निकल जाती है ज़्यादातर, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका पेपर ही अच्छा नहीं हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आपका बैक नहीं निकलेगी, ठीक है। बस मोस्टली ज़्यादातर निकल जाती है छात्रों की, ठीक है। अच्छा, 100% बैक क्लियर हो जाएगी। देखो, ऐसा होता है कि जैसे BTUP बोर्ड में ज़्यादातर मैंने देखा है, यदि आपके 16 नंबर भी हैं ना पेपर में, तो आपका 1 नंबर भी नहीं बढ़ाया जाता, 1 नंबर का जो आपको बैक लगा देते हैं। या तो आप दोबारा रीचेकिंग कर डालें फॉर्म, या फिर आप जो सेकंड आपके पास ऑप्शन बचता है कि आपका बैक पेपर दें, ठीक है ना। तो यही दो ऑप्शन बचते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, तो ये तो जो है सभी का बता दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आप किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है रीचेकिंग का फॉर्म डाल सकते हैं, परंतु हाँ, आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी आप फॉर्म डालें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सेमेस्टर बैक पेपर का जो चल रहा था कि ऑड का पेपर इवन में होगा, लेकिन इवन का इवन में होगा, अब की बार ये साबा जो है क्लियर हो गया है, आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक है आपका पेपर अभी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो पेपर आपका अभी हो जाएगा, अभी करंट सेमेस्टर में भी हो जाएगा। तो ये सारी अपडेट थी, मैंने आपको दे दी। अब भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।